हम हमारी डेली लाइफ में ऐसे बहुत से काम करते हैं जो कितने खतरनाक हो सकते हैं इनका हमें कोई भी अंदाजा नहीं होता। लाइक कैसे भारी स्कूल बैग्स बच्चों के पोस्चर को खराब कर रहे हैं। आपको ज्यादा क्यों नहीं बोलना चाहिए? और आप सभी के घर में ऐसी कौन सी चीज है जिसे आज ही आपको फेंक देना चाहिए? तो यार आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी डेंजरस चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनको आज ही आपको सुधारने की जरूरत है। आप लोग में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि स्कूल जाते होंगे, और अगर नहीं भी जाते हो तो कभी ना कभी तो जरूर ही गए होंगे। और यारो अगर आप स्कूल जाते हो तो आपको अपने कंधे पर किताबों का लोड तो जरूर याद होगा, पर यारो क्या आपको पता है कि बच्चों का ये एक्स्ट्रा लोड उनके फिजिकल हेल्थ के लिए काफी डेंजरस होता है, खास करके छोटे बच्चों के लिए। यारो आजकल के बच्चों के स्कूल बैग इतने भारी होते हैं, मानो उनके टीचर सिर्फ एक ही दिन में पूरे साल का ही सिलेबस कम्प्लीट करा देंगे। यारो बच्चों के भारी बैग्स उनके शोल्डर एंड स्पाइनल पोस्चर में दिक्कत ला सकते हैं, और ये मेरा नहीं बल्कि बहुत से डॉक्टर्स का कहना है जिसे कुछ साल पहले न्यूज चैनल्स ने भी कवर किया था, पर यारो सैडली अब तक इसका कोई सलूशन ही नहीं निकला है। यारो जब भी हम इंडियंस कोई नई चीज खरीदते हैं तो हमें उसे टेस्ट करने का बड़ा शौक होता है। नई चीजें आती हैं हम उसे टेस्ट करने लग जाते हैं, चाहे वो नया फोन हो, नई गाड़ी हो, पटाखे हो, या फिर आपके घर में अभी अभी आया नए मंथ का गैस सिलेंडर ही क्यों ना हो। यारो पटाखे तक तो ठीक था, पर हम इंडियंस नए गैस सिलेंडर को भी टेस्ट करते हैं, और वो भी माचिस जला के। और हमारे इन्हीं छोटी छोटी गलतियों के कारण कभी कभी बहुत बड़े हादसे हो जाते हैं। पता नहीं क्या रीजन है यार, हम माचिस से गैस को क्यों चेक करते हैं? लगता है जैसे हमें टेस्ट करना है ये गैस सिलेंडर फटता है या नहीं। भाई सेम काम को स्मेल करके भी जाता है। यारो आज के बाद आपके घर में जब भी नई सिलेंडर आए तो आप माचिस से टेस्ट न करें, क्योंकि भाई उसमें पहले से ही ऐसा ओडर होता है जिसे स्मेल करके पता चल सकता है कि गैस लीक हो रही है या फिर नहीं। यारो आजकल के स्मार्टफोन हमारी जिंदगी के हिस्सा बनते जा रहे हैं। जब भी देखो तो अधिकतर लोग अपने फोन पर ही बिजी होते हैं, चाहे वो खाना खा रहे हो या फिर रास्ते में चल ही क्यों ना रहे हो। यारो बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो कि फोन को चार्ज करते वक्त यूज करते हैं, पर यारो फोन को चार्ज करते वक्त यूज करना किसी डेंजर से कम नहीं है। फोन चार्ज होते समय फोन हीटअप होते रहता है जिससे आपका स्मार्टफोन का लाइफ स्पैन तो कम होता ही है, साथ ही उसके फटने के भी चांसेस होते हैं। गाइस आए दिन ऐसे कई केसेस आते रहते हैं, इसलिए यारो कभी भी फोन को चार्ज करते समय यूज मत करना, क्योंकि कहते हैं ना यार किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो वो मौत का कारण भी बन सकती है। यारो कुछ लोगों को बातें करने का बहुत शौक होता है, कुछ लोगों का तो ऐसा है कि वो बिना बात किए रह ही नहीं पाते, और कुछ लोग तो बातें करना अपनी पर्सनालिटी का एक फीचर बताते हैं। पर गाइस क्या आपको पता है कि हद से ज्यादा बातें करना भी आपके लिए डेंजरस हो सकता है? यारो हद से ज्यादा बातें करने से आपको वोकल कॉर्ड हेमरेज, ग्रैनुलोसा जैसे कई वोकल कॉर्ड डिजीजेस हो सकते हैं। कुछ स्टडीज का तो ये भी मानना है कि ज्यादा बातें करने से हमारी लाइफ स्पैन कम होती है। तो देखा ना यारो, हद से ज्यादा बातें करना भी मुश्किल हो सकता है। भाई कुछ लोग तो इतनी बातें करते हैं मानो जैसे कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हो। वैसे जॉब से याद आया, यारो आज मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आसानी से आपको जॉब ढूंढने में मदद करेगा। गाइस इस ऐप का नाम है हायरेक। ये इंडिया का सबसे पहला ऐप बेस्ड हायरिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप 30,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप के फाउंडर से सीधा बात कर सकते हो, वो भी बिना किसी कंसल्टेंट और झमेले के। आपको कुछ नहीं करना, बस सीधा डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करना है और ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, जिसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देके अपनी प्रोफाइल बनानी है, जिसके हिसाब से ऐप का एल्गोरिथम आपको रिक्रूटर से मैच करवा देगा। अब आई बात प्राइवेसी की, ये भी सॉर्टेड है भाई। आपकी कोई भी डिटेल्स आपकी मिशन के बिना रिक्रूटर्स को नहीं दी जाएगी, तो आप टेंशन किस बात की है? जल्दी से जाओ ऐप डाउनलोड करो और अपनी ड्रीम जॉब को ढूंढो। यारो फिट, फाइन और अट्रैक्टिव दिखना हर किसी का सपना होता है। बहुत से लोग अपने फिटनेस को मेंटेन करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। फिटनेस को अचीव करने के लिए डाइटिंग और प्लानिंग तो करते ही हैं, साथ ही साथ अलग अलग हेल्थ रिलेटेड सेफ्टी मेजर्स भी लेते हैं। यारो कुछ लोग तो गुड डाइट मेंटेन करने के लिए अलग अलग फूड कॉम्बिनेशन भी लेते हैं, पर क्या आपको पता है कभी कभी दो डिफरेंट क्वालिटीज वाले फूड को एक साथ खाना भी डेंजरस हो सकता है। इन्हीं फूड कॉम्बिनेशन में से सबसे पॉपुलर है मिल्क एंड बनाना। गाइस हम सभी में अधिकतर को लगता है कि मिल्क और बनाना को एक साथ खाने से हम फिट रहते हैं, पर यारो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कॉम्बिनेशन आपके पेट के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। ये आपके पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम पर बैड इफेक्ट डालता है, और ऐसे कई और डेंजरस फूड कॉम्बिनेशन हैं जो आपके हेल्थ पर बैड इफेक्ट डाल सकते हैं। सो यारो अपने डाइट में किसी भी फूड कॉम्बिनेशन को ऐड करने से पहले आप उसके बारे में एक बार रिसर्च जरूर कर लेना। यारो सुबह उठते ही हम सभी को अलग ही फ्रेशनेस फील होती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रेशनेस क्यों फील होती है तो मुझे पता है आप सभी का अलग अलग जवाब होगा। गाइस सभी अपनी ताजगी का अलग अलग रीजन बताते हैं, पर यारो क्या आपको पता है कि हम सभी को फ्रेश फील करने का एक मेन रीजन होता है, और वो होता है सुबह उठते ही ब्रश करना। ब्रश किए बिना ताजा चाय भी अपनी ताजगी नहीं दिखा पाती है, पर क्या आपको पता है कि आपका ब्रश भी आपके लिए काफी डेंजरस हो सकता है। हम इंडियंस ब्रश तो खरीद लेते हैं पर उसे समय समय पर चेंज करना भूल जाते हैं, मानो ब्रश नहीं ज्वेलरी खरीद ली हो। यारो हम लोगों को हर 3 महीने के बाद अपने ब्रश को चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि जब ब्रश के व्हिसल्स न्यू होते हैं तो हमारे माउथ के बैक्टीरिया पर इफेक्टिव होते हैं, पर जब यही ब्रश पुराना हो जाता है तो इसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है। इसलिए और समय पर अपना ब्रश जरूर चेंज कर लेना, वरना ये दीदी आपसे भी आकर पूछेगी।
क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? हाँ। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? यार आपने कभी न कभी इस ईयरवैक्स रिमूवर को तो जरूर ही देखा होगा। जब हमें कान में दर्द होने लगता है तब हम इसे अपने कान में डालकर अपने कान को साफ करने लग जाते हैं। मगर क्या आपको पता है कि ये ईयरवैक्स रिमूवर आपके कान को साफ करने की वजह आपके कान को ब्लॉक कर देती है। जी हाँ, ये कान साफ करने वाली चीज आपके कान को हमेशा के लिए साफ कर सकती है। गाइस जब हम इस ईयरवैक्स रिमूवर को अपने कान में डालते हैं तो ये ईयरवैक्स को निकालने के बजाय और ईयरडम के पास चिपका देता है। इसके चिपक जाने के बाद इसको निकालना उतना ही मुश्किल होता है जितना मुश्किल सीधी उंगली से घी निकालना। और यार कभी कभी इसे निकालते निकालते लोगों के ईयर ड्रम भी डैमेज हो जाते हैं जिसके वजह से उनको सुनने में भी प्रॉब्लम आती है। इसलिए यार आपको जब भी लगे कि आपको ईयरबैग्स रिमूवर की जरूरत है तो आप अपने ENT स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट किया करें। तो यार आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यार हर एक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। अगर आप इस वीडियो के मिलते जुलते पार्ट 1 को देखना चाहते हो तो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। और अगर ये नहीं देखना तो आपके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।